हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजे क्लासेस। आई होप आप सब अच्छा होंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। सो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ केस स्टडी। यह है विशाखापट्टनम गैस लीकेज जी रिसेंटली हुई है ना। और ये एक अनप्रडिक्टेबल चीज़ें थी जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो अपन ये कह सकते हैं ये जो 2020 है, मैंने रेड सर्कल कर दिया कि वर्स्ट ईयर एवर। इसमें इतनी सारी चीज़ें हुई है जो हम सोच भी नहीं सकते, अनप्रेडिक्टेबल। इतनी सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब हुआ क्या है ये देखते हैं। अ केमिकल लीक इन अ प्लांट, पैक करते हैं, मैं पेन ले लेता हूँ। अ केमिकल लीक इन अ प्लांट ऑफ एलजी पॉलीमर्स इंडिया। एल जी पॉलीमर्स का प्लांट है, वहाँ पे केमिकल लीक हुआ है विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 200 लोग हॉस्पिटल जा चुके हैं, 11 की डेथ हो चुकी है। अभी तक जो रिपोर्ट आई थी ये संख्या ज़्यादा भी हुई है। अब थाउजेंड्स वर अफेक्टेड बाय द गैस लीक फ्रॉम द प्लांट लेफ्ट आइडल, क्योंकि प्लांट जो था वो आइडल था कोरोना वायरस की वजह से। अकॉर्डिंग टू सीनियर पुलिस ऑफिसर स्वरूप रानी, विशाखापट्टनम बोला है, द प्लांट ऑपरेटेड बाय एल जी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्लांट को कौन ऑपरेट कर रहा था? एल जी पॉलीमर्स इंडिया, सब्सिडरी ऑफ साउथ कोरिया एल जी केमिकल्स लिमिटेड। ये किसकी सब्सिडरी है? साउथ कोरिया की, ठीक है। साउथ कोरिया आप जानते होंगे, किम जोंग उन। इससे पहले एक भोपाल में भी गैस त्रासदी हुई थी, याद है आपको? और अभी एक रिपोर्ट आई थी कि रायपुर में भी हुई है शायद, कन्फर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन हुई है। एक बार मैं इरेज करता हूँ डाटा सारा, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेन इज प्राइमली यूज इन द प्रोडक्शन। कौन सा गैस यूज, सॉरी बैक होते हैं, कौन सा गैस यूज हुआ था? स्ट्रेन। स्ट्रेन कहाँ यूज होता है? प्रोडक्शन ऑफ पॉलिस्ट्रीन प्लास्टिक। प्लास्टिक के बनाने में इसका यूज किया जाता है, रेजिन के लिए, टायर्स के लिए इसको यूज किया जाता है, टायर्स बनाने के लिए। एक्यूट एक्सपोजर टू स्ट्रेन इन ह्यूमन रिजल्ट इन मस्कस मेम्ब्रेन एंड आई इरिटेशन, आंखों में जलन होने लग जाती है, इसी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। क्रॉनिक एक्सपोजर टू स्टेरिन, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर किससे होता है? ह्यूमन्स रिजल्ट इफेक्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपकी जो नर्वस सिस्टम है इस पर इफेक्ट करती है। हेडेक होने लग जाता है आपको, वीकनेस आ जाती है, डिप्रेशन आने लग जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन, हियरिंग लॉस, सुनना भी आप बंद कर सकते हैं। इतनी खतरनाक गैस है स्टेरिन, डायरेक्टली इफेक्ट आवर नर्वस सिस्टम, इससे बेहोशी भी हो सकती है, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये वहाँ की कुछ इमेजेस है, मतलब ये देखिए पूरा तस्वीरों में बयां करना मुश्किल है कि कितनी बड़ी त्रासदी हुई है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए? स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। द गैस रिपोर्टेडली स्टार्टेड लीकिंग अराउंड 2:30 AM। कितने बजे करीब हुआ? 2:30 बजे करीब, व्हेन द वर्कर्स वर प्रिपेयरिंग टू री ओपन द प्लांट टूडे, जहाँ वर्कर्स प्रिपेयर कर रहे थे कि उनको प्लांट रीओपन करना है। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया? आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी। अब पहला सवाल, कौन है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर? जगन मोहन रेड्डी। 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन मिलेगा कीन ऑफ दोज हु हैव किल्ड इन द ट्रेजेडी, जो इसमें मारे गए हैं। दोज विक्टिम्स हु आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट ऑन वेंटिलेटर, जिनका इलाज चल रहा है उनको कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए। हु आर हॉस्पिटलाइज्ड बट नॉट ऑन वेंटिलेटर, जो हॉस्पिटलाइज्ड है लेकिन वेंटिलेटर पर नहीं है, उनको कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए का कंपनसेशन। तो गाइस ध्यान दीजिए, सरकार ने जो कंपनसेशन दिया है वो क्या दिया है कि सबसे पहले 1 करोड़, तो जिनकी डेथ हो चुकी है 1 करोड़, जिनकी डेथ हो चुकी है 10 लाख, जो हॉस्पिटलाइज्ड है और वेंटिलेटर पे है, और 1 लाख जो हॉस्पिटलाइज्ड है लेकिन वेंटिलेटर पे नहीं है। ये देखिए, ये कुछ पिक्स आई है वहाँ की, ये कुछ पिक्स है, तस्वीरों में बयां करना मुश्किल है दर्द कितना, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। अब आते हैं इसके ऊपर। अब NHRC ने क्या किया? NHRC जानते हैं आप, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस। NHRC ऑन थर्सडे इश्यूड अ नोटिस टू आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। उसने क्या किया? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू किया है एंड सेंटर सेंटर को भी, ओवर द डेथ ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल ड्यू टू पॉइजनस स्टेरिन गैस लीक इन आंध्र प्रदेश विजाग डिस्ट्रिक्ट। एक NHRC, शॉर्ट फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसने एक नोटिस इशू किया है। स्पेशलाइज्ड केमिकल कॉल्ड PTBC,
एक स्पेशल केमिकल है पीटीबीसी, मेड ओनली इन वापी टाउन ऑफ गुजरात। कहाँ बनाई जाती है? वापी में, गुजरात में। विल बी सेंड टू विशाखापट्टनम ऑन अर्जेंट बेसिस। वो अर्जेंट बेसिस सेंड की जाएगी टू न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ गैस लीक एट द पॉलीमर प्लांट देयर। वहाँ उस गैस को बंद करने के लिए कि भाई ज़्यादा नुकसान ज़्यादा ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे चैनल को, कमेंट जरूर दे कैसा लगा वीडियो। एक बार वापस देखिए, ओवरव्यू जाते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था, एलजी पॉलीमर्स वहाँ पे वर्कर जो है वो 2:30 बजे के करीब प्लांट को रीओपन करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे गैस लीक होना चालू हो गया, उसकी वजह इतनी सारी डेथ हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।